नमस्कार, पेप्टी टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। छतरपुर के उत्कृष्ट विद्यालय के विद्यार्थियों ने यहां पड़ी हुई सूनी दीवारों को नया रूप दिया है। दरअसल उत्कृष्ट विद्यालय के विद्यार्थियों ने जो दीवारें सूनी पड़ी हुई थी उनमें मध्य प्रदेश की संस्कृति और भी अन्य तस्वीरों से उनको सुंदर बना दिया है। देखिए आप यह खास रिपोर्ट। शहर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक एक में पढ़ने वाली कुछ छात्राओं ने अपनी प्रतिभा और कला का सदुपयोग करते हुए स्कूल में खाली पड़ी दीवारों को पर्यावरण संरक्षण के संदेश देते हुए कलाकृतियों से निखार दिया है। इन विद्यार्थियों ने दीवारों पर मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति और वैभव को उकेरते हुए इन्हें नई खूबसूरती प्रदान की है। स्कूल के व्याख्याता नीरज खरे ने बताया है कि शासन द्वारा निर्देश प्राप्त हुए थे कि विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाए और उन्हें पर्यावरण से जुड़ी विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित कराया जाए। ये जो अभी शासकीय तौर पर एक आदेश आया था कि बच्चों से पर्यावरण संरक्षण के लिए दीवार पेंटिंग करवानी है, आपने देखी भी होगी अपने कलेक्ट्रेट कार्यालय की बिल्डिंग पे कुछ पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पेंटिंग है। तो मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना विद्यालय की दीवारें जो खाली और सूनी पड़ी हैं, हमारे विद्यालय में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और आप देख ही रहे होंगे कि वास्तव में बच्चों से हमने जितनी अपेक्षा की थी उससे कहीं अधिक और सुंदर चित्र उन्होंने इन दीवारों पर बनाए हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चे इन पेंटिंग के माध्यम से अपने हुनर का प्रदर्शन तो करें ही, साथ ही मध्य प्रदेश का जो सांस्कृतिक वैभव है, बुंदेलखंड का जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वैभव है, उससे यहाँ आने वाला हर व्यक्ति और हमारे विद्यालय के सभी छात्र परिचित हों और भविष्य में वे हमारी संस्कृति, इतिहास और प्रकृति के संरक्षण के लिए अपने जीवन में प्रयास करें।